हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीताफल यानी कि कस्टर्ड एप्पल जो होते हैं उनके पत्तियों का फ़ायदा कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, और ये आपको 5 रोगों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं वो 5 रोग भी बताऊंगा कि किन कंडीशनों में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल जाते हैं, और ये इसका मैंने पर्सनली भी लाभ उठा करके देखा है गाइज। तो वीडियो एंड तक ज़रूर बने रहें, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, सीताफल जिसे इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल लीफ भी बोला जाता है, और शरीफा के पत्ते जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम इसे शरीफा भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, तो आप जैसे आपको आपके इलाके में इसे बोला जाता है उस तरीके से इसका नाम आप जानते होंगे। तो गाइज़, शरीफा के जो पत्ते हैं इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं गाइज़ कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका जो है कि रोग किस तरीके से गायब हो जाएगा, आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके देखा गया है गाइज़, और ये इसका लाभ हमने भी उठाया है। तो गाइज़, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत डॉक्टर जो है कि बहुत सारे दवाई लिखते रहते हैं जिन्हें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, यानी कि जिन्हें चीनी रोग का प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं वो लोग, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये सीताफल के पत्ते। बहुत ही अच्छे से सुन लीजिए कि इसका जो फ़ायदा है वो 100% ये इसका रिज़ल्ट है गाइज़। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप इसे 3 से 4 दिन आप इस्तेमाल कर करके देखेंगे, और उसके बाद आप डायबिटीज़ का एक बार टेस्ट करवाएंगे कि कितना आपका है शुगर का लेवल, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है गाइज़। तो डायबिटीज़ के प्रॉब्लम में ये सीताफल यानी कि शरीफे के जो पत्ते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये पत्तियां हमारे शरीर में चीनी के अवशोषण को धीमा करने में सहायक होता है, जिससे वो रक्त शक्कर के स्तर को जो है कि वो नियंत्रित करता है, यानी कि शुगर के जो है लेवल को डाउन करता है, और फाइबर धीरे धीरे पचाता है, जिसके कारण यह आपके रक्त शक्कर के स्तर में अचानक स्पाइक्स का कारण नहीं बनता है, जिससे आपका डायबिटीज़ दूर होने लगता है। गाइज, इस प्रकार सीताफल के पत्ते के फायदे आपको पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है, और मधुमेह के लक्षण आपको इसके पाइल्स में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। मैं एंड में बताऊंगा गाइज कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है इनके पत्तियों को। तो जो नेक्स्ट नंबर है गाइस जिसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है वो अगर आपको हृदय संबंधी रोग है यानी कि हार्ट डिजीज़ है, उन कंडीशनों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है सीताफल के पत्तियां यानी कि कस्टर्ड एप्पल के लीफ, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि सीताफल के पत्ते में मौजूद पोषक तत्वों में पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, और ये हृदय के मांसपेशियों को आराम कराने में मदद करता है, जिससे आपका स्ट्रोक और हृदय रोगी संबंधी ठीक हो जाता है। जी हाँ गाइस, कुछ इसी तरीके से ये आपको काम करता है हार्ट के डिजीज़ में। बात करेंगे हम अगर इसके एंटी एजिंग के प्रॉपर्टी, जो इसके तीसरे प्रॉफिट हैं कि अगर आपको एजिंग का प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ रहा है, उन कंडीशनों में सीताफल के पत्ते इतने ज़्यादा बेनिफिशियल है गाइस कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि इसके जो औषधि गुण जो हैं भरपूर हैं, जो आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनके पत्तियां एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या होता है कि आपकी जो स्किन है सूरज के धूप के वजह से वो हार्म हो जाते हैं, वो आपका डल हो जाता है, उन कंडीशनों में ये फ्री रेडिकल को हटाने में मदद करता है, जिससे आपका त्वचा खिल जाता है और आप जो है कि उम्रदराज नहीं लगते हैं। यानी कि अगर आपको एजिंग का समस्या है, आप बुढ़ापा आपका जल्दी हो रहा है आपके स्किन में, तो आप उन कंडीशनों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी देखा गया है गाइज़। आप
कैस्टर एप्पल के लीफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको जो है कि हीलिंग का प्रॉब्लम है, कहने का अर्थ कि आपको चोट लग गया है और वो छिल गया है, तो उन जगहों पे सीताफल के पत्तियाँ का रस जो है कि आप गार करके रख दें तो बहुत ही जल्दी घाव भर जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है घाव को जो है कि हील करने में। जी हाँ गाइस, बात करेंगे हम हड्डियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको जो है कि आपका बोन कमज़ोर है, उन कंडीशनों में भी सीताफल के फल यानी कि उसके फ्रूट बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये फ्रूट के बारे में है गाइस, तो फ्रूट बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अगर आपको बोन वीक है या फिर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उन कंडीशनों में भी सीताफल के फ्रूट यानी कि फल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये इसके फ्रूट्स के बारे में हुए गाइस, और भी बहुत सारे इसके प्रॉफिट हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपका क्वेरी रहा यानी कि और किन किन कंडीशनों में सीताफल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे लाऊंगा, जो आपको फुल डिटेल के साथ दूंगा कि किन किन समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था गाइस, वो डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट और आपको एजिंग और जिनको मधुमेह की प्रॉब्लम यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया था गाइस। आइए हम अब जो है कि इसके बारे में बता देते हैं कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है सीताफल के पत्तियां। तो गाइस, सीताफल के पत्तियां आप जो है कि 4 से 5 ले लें और उसे आप अच्छे से धो लें, और फिर आप उसे पानी में जो है कि डाल दें और आप गैस के फ्लेम को ऑन कर दें और उसे कुछ देर बॉयल होने दें। कुछ देर जब बॉयल हो जाए, उसमें पत्तियां का जो है कि जो भी उसमें मिले हुए हैं वो आपके पानी में घुल जाए, तो आप उसे उतार दें और फिर आप उसे ल्यूकोवार्म, आप उसे सुसुम काढ़े की तरह या फिर चाय की तरह आप उसे पिए। डेली चाय के रूप में आप इसे इस्तेमाल करें, जैसे कि चाय पीते हैं उतना ही अमाउंट में आप इसे पर डे लें, आपका डायबिटीज़ 100% दूर होगा। मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ गाइस, अगर नहीं ठीक हुए तो आप मेरे वीडियो बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल मैं ये दावे के साथ कहता हूँ गाइस। और अगर आपको जो है पाइल्स की प्रॉब्लम है, उन कंडीशनों में भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दे वीडियो को, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और भी मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, आप उसे भी देख सकते हैं।